हमने कमीज़ के घेरे और चाक को हेम कर लिया है, तो अब हम फ्रंट पॉकेट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने फ्यूजिंग का पीस लिया है, इसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 1.25 इंच है। तो अब हम इसको कपड़े पे इस तरह से यहाँ सेंटर में सेट करेंगे। अब हम ऊपर से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे दोबारा इस तरह से टर्न करेंगे। और अब हम इस साइड से इसको इस तरह से टर्न करेंगे। और हमारी पॉकेट की लंबाई 5.5 इंच और चौड़ाई 5 इंच होगी। व्यूज़, अब हम इस मोल्ड से पॉकेट के किनारों को गोल शेप देंगे। अब हम यहाँ अंदर से इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़, ये मोल्ड जिससे हमने पॉकेट के किनारों को गोल शेप दी, ये आप कोई भी गत्ता या कापी का कवर लेके उसको गोल शेप में कट करके तो आप पॉकेट को रेडी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्यूजिंग वाला सरफेस फ्रंट साइड पे है। तो अब हम यहाँ ऊपर और नीचे डबल सिलाई लगाएंगे और पॉकेट को कमीज से अटैच करेंगे। व्यूज़, हमने पॉकेट को यहाँ फ्रंट पार्ट पे प्लेकेट से 1 इंच के फासले पे और यहाँ शोल्डर से 7.5 इंच के फासले पे यहाँ पे इसको पिन अप किया है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे।
व्यूज़ ये हमने फ्रंट पॉकेट को अटैच कर लिया है, अब हम साइड पॉकेट को अटैच करेंगे। व्यूज़ अब हम साइड पॉकेट के लिए कमीज़ की राइट साइड को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ आर्म होल से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे। व्यूज़ यहाँ 4 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ इन दोनों निशानों पे हम कट लगाएंगे इस तरह से। और इस कपड़े को हम अंदर की तरफ इस तरह से ब्रीक हेम करेंगे इस तरह से। व्यूज़ यहाँ से सिलाई हम यहाँ 4.5 इंच तक लेके जाएंगे और 6.5 इंच तक पॉकेट की लेंथ लेने के बाद यहाँ से सिलाई हम यहाँ चाक तक लेके जाएंगे। व्यूज़ यहाँ से सिलाई हम यहाँ 4.5 इंच तक लेके आएंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ 6.5 इंच तक पॉकेट की लेंथ लेने के बाद यहाँ से सिलाई यहाँ चाक तक लेके आएंगे। तो कमीज़ के चाक 18 इंच हैं तो अब हम यहाँ तक 18 इंच तक सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम साइड पॉकेट को रेडी करेंगे। तो ये हमारे पास डबल पीस है तो इस पे हम साइड पॉकेट को कट करेंगे। तो हमारी पॉकेट की लेंथ है 14 इंच तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 15 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और हमारी पॉकेट की चौड़ाई है
6 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 4 इंच पे निशान लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम पॉकेट के अंदर सेट करने के लिए कपड़े को कट करेंगे। इसकी लंबाई भी हम 8 इंच तक लेंगे। व्यूज़, हमने पॉकेट के अंदर सेट करने के लिए कपड़े को कट किया है। इसकी लंबाई 7 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 7 इंच है। 1/2 इंच हमने इसको ऊपर से इसरी से इस तरह से टर्न किया है। तो अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई करेंगे। 1/2 इंच सिलाई में जाने के बाद 6.5 इंच हमारी पॉकेट की लेंथ होगी। तो अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम बड़े वाले पीस को इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस तरह से टर्न करेंगे और इस्त्री से सेट करेंगे। तो अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। व्यूज़, हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। हमारी पॉकेट की लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच चौड़ाई लेने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। और यहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप बनाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और यहाँ से हमने 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से बाहर की तरफ टर्न किया है और इसका यहाँ से हमने सेंटर सेट किया है। अब हम इसको कमीज़ के साथ जॉइन करेंगे। व्यूज़, अब हम इस पॉकेट को कमीज़ की उल्टी साइड में यहाँ साइड सिलाई के ऊपर इस तरह से टर्न करते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे साइड सिलाई से इसका यहाँ पे सेंटर सेट करते हुए यहाँ पे हम सेंटर सेट करते हुए यहाँ पे हम इस तरह से इसको सेट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ सेट करेंगे। और यहाँ इस सिलाई से सेंटर सेट करते हुए हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
व्यूअर्स, अब हम यहाँ इस कॉर्नर से इसकी इस साइड को इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस कॉर्नर पे दोबारा इस तरह से पॉकेट को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। और अब हम दोबारा इस तरह से यहाँ पे इसको सिलाई को यहाँ तक लेके मुकम्मल करेंगे। तो व्यूज़, ये आप देख सकते हैं कि अब ये साइड पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है जिन व्यूज़ ने हमसे ये साइड पॉकेट स्टिचिंग की फरमाइश की थी, उन्होंने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमसे कमेंट से या मैसेजेस के ज़रिए से रابطہ कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाएँगे और स्लीव्स को रेडी करेंगे।